यार दोस्तों, अगर आपकी आंख खुले और आपको ये नज़ारा देखने को मिले तो आपके क्या रिएक्शन होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस, कहते हैं कि जो सोया है वो खोया है और जो जागा है वो पाया है। तो इसी के साथ आज दिन की शुरुआत करते हैं और अभी बज रहा है सुबह का 6 और हम लोग निकल गए हैं ट्रैकिंग के लिए। ये रास्ता है सीधे सीधे, आगे सनसेट व्यू पॉइंट है। हालांकि अभी सनराइज हो रहा है, बट हम देख के आते हैं वहाँ से कैसा है व्यू और नज़ारे लेके आते हैं वहाँ से। सो गाइस, आपको एक और अमेजिंग सी चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है। हालांकि आजकल वो ऊंची ऊंची घासों के कारण बंद है, बिकॉज अभी कटाई नहीं हुई घास की, क्योंकि काफ़ी लोग गए नहीं है, अभी सीजन जस्ट स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, व्यू दिख रहा है वाटरफॉल का, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, दिखेगा शायद। वो देख रहे हो गाइस, शायद आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही हो। सो गाइस, ये हम पहुंच गए हैं उस व्यू पॉइंट पे। बेसिकली ये रोड पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से एक टर्न आता है, टर्न से बस एक हल्की सी रोड कटी हुई है, जैसे कि आप देखेंगे मेरे पीछे ये रास्ता जा रहा छोटा सा। तो वहाँ पे सामने एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से पैरानोमा व्यू आपको देखने को मिलेगा। वाटरफॉल भी यहाँ से क्लीन दिख रहा है यार। अमित मुझे मिला नहीं, पता नहीं कहाँ की साइड गया हुआ है वो, बट हम लोग यहाँ आ गए हैं तो वहाँ तक चले ही जाते हैं। बाबरे, कुत्तों की आवाज़ भी आ रही यार। तो भाई ये देख लो, ये है व्यू पॉइंट। ओ माय गॉड, यहाँ से वो दिख रहा है चंद्रमा मस्त। और ये आ गए हम चोटी पे, एज यू कैन सी। सो गाइस, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ वापस, यहाँ से हमने व्यू ले लिया है, थोड़ा सा हल्का सा टाइम स्पेंड करके, बिकॉज अभी अमित भी पता नहीं कहाँ चले गया है, देखता हूँ किस साइड गया हुआ है वो। सो दोस्तों, आपको एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ, पहाड़ों में कम्युनिकेट करने का एक ईजिएस्ट वे है, यहाँ से आप चिल्ला दो जहाँ भी हो। तो मैंने अभी आवाज़ लगाई अमित को, यहीं से तो उसने सुन लिया। सो गाइस, खोया पाया विभाग में फाइनली हमारा दोस्त वापस मिल गया है। सो अमित भाई, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आने वाला। सुबह उठना वर्थ है नहीं है, बताओ पहले। इधर देख के बताओ ना यार, पब्लिक को चेहरा तो दिखाओ अपना, पब्लिक नेशन वांट्स टू नो। भाई, नेशन वांट्स टू नो। तो यार यही है दोस्तों, अभी हम फिर से दोबारा निकल गए, भाई आ गया है। जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे पहाड़ों में लाइफ बहुत ईजी है, कम्युनिकेट करने के लिए आपको सिर्फ चिल्लाना पड़ता है। क्यों भाई, नेटवर्क हो या ना हो, भाई आप चिल्ला दो, दोस्त मिल जाएगा आपको। ये देखो केचुआ, केचुए देखे होंगे तुमने बचपन में बहुत ढेर सारे। सो गाइस, फिलहाल बज गया 8:30 और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह चल रहा है यहाँ पे, तो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग वही रहता है 8:30 से 9 बजे के आसपास। तो अभी प्लान ये है कि यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल जाएंगे मुक्तेश्वर के लिए। बीच में एक नैना पीक ट्रैक पड़ता छोटा सा, वो भी करेंगे, उसके बाद सीधे मुक्तेश्वर। अगर बर्ड लाइफ सेंचुरी जाना है पम्मू, एक राउंड देख आएंगे वहाँ पे 15-20 मिनट लगा के, कि अगर कोई अच्छी फोटोज मिलती है बर्ड्स की, तो बाकी उसके सीधे मुक्तेश्वर निकलेंगे। तो गाइस, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। सो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे रह के, अमेजिंग प्लेस है, बाकी आप लोगों ने देख लिया है। तो फिलहाल अमित भाई ने स्कूटी निकाल ली है, मेरी स्कूटी पे निकली हुई है। तो गाइस, ये वाली जो रोड आ रही है, इस रोड से एक लेफ्ट साइड को कट करता है जो क्लिबरी के लिए जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 700 मीटर ऊपर क्लिबरी है। एक बार एक राउंड मार के आते, देख के आते क्या सीन है। हालांकि अभी अमित भाई बोल रहे हैं कि बर्ड्स तो दिखेंगे नहीं ज़्यादा। तो गाइस, ऐसी ही रास्ता है यहाँ पे, पत्थरों का अभी काम भी चल रहा है बेसिकली रोड का, तो दोस्तों ने मदद कर दी थोड़ी सी रास्ता खोल के। एक राउंड मार के आते, ज़्यादा ऊपर नहीं है, यहीं पर गेस्ट हाउस है, बता रहे हैं आगे। सो गाइस, थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ से दो रास्ते हैं, ये ऐसी रोड है देख लो पथरीली, तो अभी आइडिया नहीं लग पा रहा कि इस साइड जाना है इस साइड जाना, आई थिंक इस साइड जाना होगा, बट ऊपर जाके बता रहे हैं गेस्ट हाउस है। और फिलहाल यही जंगल है, अगर आप आते हो यहाँ तो आपको अर्ली मॉर्निंग शायद आना पड़ेगा, अगर अच्छी फोटोग्राफी करनी है चिड़िया की, या फिर आपको यहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, पेशेंस ये बहुत ज़्यादा। और अमित मेरा नीचे वेट कर रहा है, वो एक्चुअली ऊपर को आया नहीं, तो आई थॉट कि यार थोड़ा ऊपर तक देखूँ क्या सीन है, बट कुछ खास लग नहीं रहा है, बिकॉज इतनी ज़्यादा भी ऐसी चिड़िया दिख नहीं रही है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था।
तो फिर ठीक है, थोड़ी देर में एक दो मिनट यहाँ पे वेट करके देख लेता हूँ क्या सीन है, अगर कोई फोटोज अच्छी निकल जाए चिड़िया की दिख जाए अगर तो पहले, नहीं तो मैं फिर नीचे को निकल जाऊंगा वापस अपने रास्ते को। सो गाइस किलबरी में वहाँ पे ना ज्यादा बर्ड्स वगैरह दिख नहीं पाई, तो हम वापस आ गए थे और वहाँ पे एक लोकल बंदे मिले थे, मैंने उनसे पूछा यार सही टाइम क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि अर्ली मॉर्निंग आ जाओ या शाम को आ जाओ तभी आपको यहाँ पे बर्ड्स दिख पाएंगे, अभी के टाइम में बहुत कम चांसेस होते हैं। सो गाइस फिलहाल अभी हम जा रहे हैं चाइना पीक के लिए, चाइना पीक के लिए जो रास्ता जाता है वो यहाँ से जाता है, ये जो चुंगी दिख रही है ना आपको पीछे, ये चुंगी से जैसी एंट्री है उससे पहले एक यहाँ से अलग से रास्ता जा रहा है, ये ज़्यादा सीधे चाइना पीक के लिए। तो हमने गाड़ी वगैरह यहीं पे लगा दी है, ओपन पार्किंग है, कुछ पे नहीं करना पड़ता है, तो स्कूटी लगा दी है हमने साइड में, जहाँ जगह मिलगी वहाँ लगा दो है ना, और उसके बाद हम चलते हैं ट्रैक के लिए। हालांकि हमारा बैग वैग रखने की व्यवस्था नहीं है तो थोड़ा भारी हो गया सामान, तो धीरे धीरे थोड़ी स्पीड स्लो होने वाली है, और चलो चलते हैं धीरे धीरे, देखते हैं ऊपर से व्यू। अमित भाई सनग्लासेस वगैरह लगा के एकदम सेट हो गए हैं, रेडी एकदम। बिकॉज यहाँ पे एंट्री में एक बहुत खतरनाक सावधान सूचना दी हुई है तो बेसिकली यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्रुप में ट्रैक करें, बिकॉज जन्य जंतु यहाँ पे जो हैं एनिमल्स जो हैं आते रहते हैं ट्रैक के दौरान, हिंसक हैं वो बहुत, ऐसा लिखा भी है और अमित जी का भी कहना है, लेकिन हम फिर भी दो लोग हैं, हम अपने आप को ग्रुप मान लेते हैं एक। सो गाइस सीन ये है कि ट्रैक थोड़ा स्टीप होते जा रहा है, हम लोग थोड़ा सा रुके थे यहाँ पे पानी वानी पीने के लिए, थोड़ी सी धूप भी लगने लगी है, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, पता नहीं कितना लंबा यार चलते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हमने सोचा था छोटा सा ही होगा तुरंत करके आ जाएंगे, बट सीम्स लाइक कि 6 किलोमीटर, कितना बोला था पम्मू, 6 बोला था, 4 बोला था, 3 3 जैसा लग तो नहीं रहा लेकिन यार सही में। और पम्मू भाई हमें लीड करते हुए लाकड़ लेके चल रहे हैं आगे से बानरों को भगाने के लिए। ओ दादी हेटो हेटो। सो गाइस रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीप है, थोड़ा सा आगे चल के एक स्पॉट है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, स्नैक्स वगैरह लाए हैं तो खा पी सकते हैं, वहाँ से लेफ्ट लेके रास्ता जाता है, आई होप थोड़ा सा ही और होगा, क्या कह रहा है। सो गाइस फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं चाइना पीक पे, जो कि अब नैना पीक के नाम से जाना जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे अभी क्लाउड्स लगे हैं बहुत ज़्यादा, तो व्यू साफ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं 15-20 मिनट वेट करते हैं, अगर व्यू क्लीन हो जाता है तो आपको बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा और फोटोग्राफी वगैरह करेंगे। आई होप आपको व्यूज़ अच्छे लगे हो, टाइम लैप्स अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ से नेक्स्ट जो है देखते हैं, अगर स्नो व्यू पॉइंट जाना है टाइम का हिसाब किताब देखते, नहीं तो हमें अभी मुक्तेश्वर के लिए निकलना है, और मुक्तेश्वर भी यहाँ से 50 किलोमीटर है, तो बेसिकली अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो पंगोट से आप नैनीताल से फिर आप मुक्तेश्वर भी जा सकते हो अगर आपके पास टाइम है, जैसे कि हमने एक रात वहाँ स्पेंड किया, थोड़ा एक्सप्लोर किया, ठीक लगा, और अभी हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर, जो वो भी एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, हिल एरिया है, हिल स्टेशन है, वहाँ से भी ऑसम व्यूज़ देखने को मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। तो ना यार मैं तो चला अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए और आप लोगों को इन सुंदर वादियों में छोड़ के जा रहा हूँ, तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।